केदारनाथ में भारी बर्फबारी होने के कारण वो मार्ग अवरुद्ध होने के कारण यात्रा जोखिम भरी है, इसलिए सोनप्रयाग से आगे न जाएं, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ धाम यात्रा की जरूरी सूचना। अभी बाबा के कपाट बंद है, आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, बाबा के कपाट 25 तारीख सुबह 6:20 पर खुल जाएंगे। बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रखी है भाई, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रास्ते क्लियर करने में भी। अभी JCB लगातार चली रही है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गई है, आप देख पा रहे होंगे भाई, खच्चरों से होटल में सामान लाया जा रहा है, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल में भी लगातार काम चल ही रहा है भाई। और भाई सबसे बड़ी बात तो यह है यहाँ पर, मतलब बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही है और उसमें भी व्यवस्था बनाई जा रही है, आप देख पा रहे होंगे ये खच्चर भी और ये अंकल भी कितने ज़्यादा बर्फ़ में नीचे से सामान लेकर आ रहे हैं भाई। 18 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है केदारनाथ धाम यात्रा का। और भाई ये होटल की तैयारी चल रही है, देख भी पा रहे होंगे आप, इधर टाइम लगेगा वैसे अभी होटल में तो। गर्म कपड़े हो गए भाई, रेनकोट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, और भाई वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए भाई, नॉर्मल बैग ना ही लाएँ वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई यहाँ पर स्नोफॉल टेम्परेचर का कुछ पता नहीं है भाई, किस टाइम भी कम ज़्यादा हो सकता है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी नॉर्मल हो जाता है। अभी भाई यहाँ से गौरीकुंड 15 किलोमीटर की दूरी पर, दूर दूर तक भाई बर्फ है, ये नीचे भाई कैंप वाला एरिया है और ये अंकल भाई गद्दे लेके जा रहे हैं। हाँ भाई एक ज़रूरी सूचना ये भी है, आपने वीडियो के वैसे स्टार्टिंग में देख लिया होगा, जो अनाउंसमेंट हो रहा था वहाँ पर, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे जो यात्री चले गए हैं भाई सोनप्रयाग में जाकर रुकते हैं, आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ पर ही बोल रहे हैं कि होटल देख लें अभी, एक दो दिन यात्रा ना करें, क्योंकि कुछ भी परेशानी हो सकती है, दिक्कत चल रही है क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो रही है, उस वजह से वो बोल रहे हैं भाई। जैसे भी होगा आप अपना देख लेना और मैं भी अपडेट दे दूंगा जैसे कोई अपडेट आएगी मेरे पास। अभी आपको पुल से नीचे दिखाता हूँ भाई, पानी का कलर भी चेंज हो गया है भाई, मिट्टी मिक्स होकर आ रही है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उस वजह से, और भाई ये तूफान से बोर्ड भी गिर गया है। तो भाई मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।